शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज है दिव्य शनिवार का दिन, साथ ही है नरक चतुर्दशी, दिवाली का दूसरा दिन। इसे काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। साथ के साथ आज मासिक शिवरात्रि का पावन और दुर्लभ दिन भी है। ऐसे में इतने दुर्लभ संयोग के साथ आप सभी से अनुरोध है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से कमेंट्स के माध्यम से लिखिएगा, और साथ ही जय माँ लक्ष्मी लिखना चाहें तो मंत्रों का दान करते हुए जरूर से लिख दीजिएगा। दुर्लभ पावन दिनों में किए गए सरल से कार्य भाग्य को प्रबल करने वाले होते हैं और दुख दरिद्रता का भी नाश कर देते हैं। कैसे करना है, कब करना है, किस विधि से करना है, संपूर्ण रूप से ध्यान से सुनिए। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, मासिक शिवरात्रि का दिन महादेव को समर्पित है और पंच दिवसीय प्रकाशोत्सव चल रहा है। प्रकाश से भरे हुए दिन है और दीपदान के लिए जाने जाते हैं। गुरु जी द्वारा बताए गए जो सर्वश्रेष्ठ दीपक के, खास तौर पर यह जो चौदस के दिन किए जाते हैं अर्थात नरक चतुर्दशी, जो यम के द्वार की यातनाओं से मुक्त देने वाले होते हैं, उस दिन किए जाते हैं, तो अपने आप में सर्वोत्तम दिन माने जाते हैं। इस दिन सबसे पहला उपाय जो गुरुजी द्वारा पिछली बार की बहुत पुरानी कथा में, जिसमें धनतेरस की पूजा विधि उन्होंने बताई है, जिसमें गुरुजी कहते हैं नरक चतुर्दशी के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से एक चार मुखा दीपक बनाना है। ठीक है, चार मुखा दीपक बनाना है, उसमें आपको काले या तो सरसों डालनी है या पीली सरसों डालनी है। ठीक है, शनिवार के दिन यह उपाय तो भाग्य को प्रबल करेगा, बदल कर रख देगा। आप सभी को चौमुखा दीपक बनाना है और साथ के साथ आप सभी को उसमें काली या पीली सरसों डालनी है। आप जानते होंगे पीली काली सरसों दुर्भाग्य को दूर करने वाली होती है और आज शनिवार के दिन तो भाग्य को बदल कर रख देगी, परिवार में विपदा संकट को काट कर रखेगी और सदा सर्वदा परिवार में सभी व्यक्तियों की विजय होगी। आप सभी को चौमुखा दीपक बनाना है। आटे का बना सके तो उत्तम है, नहीं तो माटी का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरु जी तो आटे का दीपक ही प्रबल जोर देकर कहते हैं। आप सभी को उसे पूरे घर में घुमाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए, घर में जरूर से घुमाना है। घुमाने के बाद आप सभी को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि दूषित स्थान अर्थात लेड बाथ में नहीं जाना है, और इसमें आपको तिल्ली का तेल या सरसों का तेल भरना है, फिर घर के दरवाजे पर इसे लगा देना है, सरसों या काली सरसों डालकर, जैसी भी आपके पास है। इससे परिवार के सभी व्यक्तियों की सदा सर्वदा रक्षा होगी और उन्हें दुख बीमारी से मुक्ति मिलेगी। कर देखिएगा, निश्चित ही आज पावन कार्तिक माह में लाभ मिलेगा। चाहे तो सुबह करें, चाहे तो शाम को करें, इच्छा आपकी है। यह बात हो गई सरल प्रथम कार्य की। बात कर लेते हैं दूसरे कार्य की। दूसरा कार्य है, शनिवार का पवित्र दिन है, मासिक शिवरात्रि है, जिसमें गुरुजी हमेशा हम सभी को कहते हैं कि शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में और शनिदेव के मंदिर में, हनुमान जी महाराज के मंदिर में प्रयत्न करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को दीपक लगाना ही है। आप सभी के पास इतना समय नहीं हो पाता कि आपके आसपास शनि मंदिर नहीं है, हनुमान जी महाराज का भी मंदिर नहीं है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप सिर्फ पीपल वृक्ष की जड़ में लगा दीजिए और महादेव के मंदिर में लगा दीजिए, क्योंकि महादेव ही शनिदेव के गुरु माने जाते हैं और हनुमान जी महाराज के भी जो है स्वरूप के रूप में उनके ही 11वें रुद्रावतार हैं हनुमान जी महाराज। आप महादेव के मंदिर में भी अगर उनके निमित्त दीपदान कर देंगे तो उचित फलों की आपको प्राप्ति होगी। साधारण सरल तरीके से मासिक शिवरात्रि की सरल पूजा करने महादेव के मंदिर में जाएं, या नहीं भी आप विशेष पूजन कर सकते हैं तो मात्र सुबह या शाम दोनों समय भी कर सकते हैं, एक समय भी कर सकते हैं, दीपदान करने का प्रयत्न करें। मासिक शिवरात्रि के निमित्त आप सभी आवश्यक रूप से बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी दीपदान करते हैं तो अत्यधिक शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। इससे ज़्यादा आप अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार, कार्तिक माह के पावन दिन है, जितना संभव हो दीपदान करने का प्रयत्न करें। भाग्य खुलेगा, दुर्भाग्य सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाएगा। इस तरह से आप सभी को मासिक शिवरात्रि और शनिवार के निमित्त दीपदान करना है। और जो चतुर्थी तिथि पर किया जाता है अर्थात चौदस की तिथि पर किया जाता है, वह भी आप सभी को करने का प्रयत्न करना है। साथ ही अनंत इस चतुर्थी के दिन, जिसे काली चौदस या जो है छोटी दिवाली के नाम से जाना जाता है, इस दिन 14 दीप दान करने का प्रावधान है। धनतेरस के दिन 13 दीप दान कहा जाता है, परंतु जो यह रूप चौदस होती है, इस दिन 14 दीपकों का दान करने का विधान है। इसमें से जो सबसे पहला दीपक होता है, वह घर की रसोई में माँ अन्नपूर्णा के निमित्त
लगाया जाता है आप सभी जानते होंगे। माँ अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी के स्वरूप में मानी जाती हैं, साथ के साथ माँ पार्वती के स्वरूप में भी मानी जाती है। रसोई घर में आप सभी को जरूर से एक दीपक लगाना है, साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से में माँ तुलसी के निमित्त एक दीप दान करना है। यह दो दीपक हो गए, तीसरा दीपक आपको अपने घर पर पितरों के नाम का दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए लगाना है। चौथा दीपक आप सभी को घर के मंदिर में लगाना है। पांचवां दीपक आप सभी को महादेव के मंदिर में श्रीहरि विष्णु के मंदिर में लगाना है। साथ के साथ आप सभी घर से बाहर निकले हैं तो पीपल वृक्ष आसपास है तो वहां जाकर दीपदान करें, साथ ही समी वृक्ष के नीचे भी दीपदान करने का प्रयत्न करें। बेलपत्र वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं, केले वृक्ष के नीचे दीपक लगाएं, साथ ही किसी गौशाला में गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है उस स्थान पर आप सभी दीपदान कर सकते हैं। खुले आकाश के नीचे जिसे जो है आकाश दीपदान कहा जाता है उस स्थान पर भी आप सभी दीपदान कर सकते हैं। भाग्य प्रबल होगा, रोग दोष कष्ट सदा सदा सर्वदा के लिए कटते चले जाएंगे। बहता हुआ पानी आपको प्राप्त हो जाए तो आप सभी उस स्थान पर भी दीपदान लगा सकते हैं। कुल मिलाकर 14 दीपों का आप सभी इस पवित्र कार्तिक माह की रूप 14 के दिन छोटी दिवाली के दिन दीपदान करें, आपको 14 गुना अधिक इन चीज़ों का फल प्राप्त होगा। यकीन मानिए 14 की वस्तु 14 के दिन दान करने का प्रावधान है महादेव के शिवलिंग पर। मासिक शिवरात्रि के दिन आप 14 की संख्या में या 108 की संख्या में बेलपत्र समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो चावल के दाने समर्पित कर सकते हैं, फूलों से महादेव का श्रृंगार कर सकते हैं। आपकी इच्छा सामर्थ्य अनुसार 14 चीज़ों का दान करें, भाग्य प्रबल होगा, रोग दोष कटेंगे। इस महीने किया गया दीप दान लाख गुना फलों की प्राप्ति करवाता है। माँ तुलसी की विशेष सेवा अर्चना करें, पीपल वृक्ष की जड़ में काले तिल मिश्रित जल समर्पित करें, विधि विधान से पूजन और साथ ही कुछ सरल सरल से कार्य भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। इससे पहले चैनल पर वीडियो दिया गया है कैसे आप सभी को लौंग का उपाय करना है जो कि सर्वोत्तम है दुर्घटना रोग कर्ज की मुक्ति के लिए। आप सभी साधारण सरल तरीके से सुंदर भाव से महादेव का पूजन करें और माता लक्ष्मी के श्री सुक्तम का पाठ करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, दीपक का जितना संभव हो दान करें। अपने आप में यह दिन पावन है, पवित्र है। इससे पहले चैनल पर आवश्यक रूप से धनतेरस के साथ साथ कैसे आप रूप 14 दिवाली की पूजा करें इसका वीडियो भी बनाया गया है, कृपया उस वीडियो को भी देखकर अपना जीवन सार्थक करें। गुरुजी बताते हैं जब मासिक शिवरात्रि हो तब आप विशेष कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो मात्र शिव पर चढ़ी हुई या साधारण सरल तरीके से नई 5 बेलपत्र लेकर या घर के मंदिर में ही आप सभी को प्रयत्न करना चाहिए बेलपत्र में चंदन से ओम बनाकर शिवलिंग पर समर्पित करने का। यह 5 पत्तियां जो चंदन से ओम बनाकर शिवलिंग पर अपनी मनोती बोलते हुए समर्पित कर देता है, महादेव उसके भाग्य जगा देते हैं, रोग दोष संकट को काट देते हैं और सदा सर्वदा उसके खुशियों के जीवन में भंडार भरते चले जाते हैं। कर देखिएगा, लाभ होगा। अपने आप में महादेव की सर्वश्रेष्ठ तिथि है मासिक शिवरात्रि। इस दिन किया गया महादेव का सुंदर श्रृंगार, पंचामृत दूध दही घी शक्कर शहद से जलाभिषेक भाग्य को बदल सकता है। साथ के साथ दीप दान करें, निश्चित ही लाभ होगा। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो हर हर महादेव लिखिएगा। राधे राधे।